ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News TV। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बिग बॉस 16 के विनर बनी प्रियंका चाहर चौधरी। सलमान खान के साथ वायरल हुई फोटो, जहां कई लोगों का मानना है कि शिव ठाकरे और प्रियंका चाहर में से कई एक ट्रॉफी जीतने वाला है। वहीं कई लोगों को ये लगता है कि अर्चना गौतम इस सीजन को अपने नाम करने वाली है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सभी लोग अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच इंटरनेट जगत में एक तस्वीर धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जिसे देख लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। बिग बी ने मिले 12 फरवरी को है, जिसके चलते वोटिंग शुरू हो गई है। वही फैंस और टॉप 5 कंटेस्टेंट में अपने फेवरेट सदस्य को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्विटर से लेकर फेसबुक तक में एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें सलमान खान के साथ प्रियंका चाहर चौधरी और शिव ठाकरे नजर आ रहे हैं। इस फोटो में सलमान खान प्रियंका के हाथ को उठाकर विजेता की घोषणा करते दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद ये साफ हो गया है कि प्रियंका चाहर ने बिग बॉस 16 की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। फैंस इस पिक्चर पर जमकर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये फोटो फेक है, इसे किसी फैन ने बताया है। बिग बॉस 16 के विनर के बारे में आज के एपिसोड यानी ग्रैंड फिनाले में ही पता चलने वाला है। बताते चले कि बिग बॉस 16 के हालिया एपिसोड घर पर आए थे। इस दौरान उन्होंने टॉप 5 कंटेंटेंट्स के साथ जमकर धमाल मचाया। उन्होंने सभी सदस्यों को टास दिया, जिसमें सबसे पहले MC स्टेन बाहर हो गए, इसके बाद शिव ठाकरे और अर्चना गौतम का टास से पता कट गया है। वही लास्ट राउंड में मुकाबला शालिन भनोट और प्रियंका चाहर चौधरी के बीच में हुआ। हालांकि शालिन ने ये टास्क आसानी से जीत लिया, जिसके बाद रोहित शेट्टी ने कहा कि ऐसे पहली बार हो रहा है कि कोई बिग बॉस से सीधा खतरों के खिलाड़ी जा रहा है, लेकिन शालिन भनोट ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। शालिन ने बताया कि उन्हें इस सभी चीजों से डर लगता है जो वो उस समय टास्क में कर रहे थे। नेहरू सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी, PM मोदी जी। नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का राज्यसभा में गुरुवार को जवाब दिया है। PM के भाषण शुरू होने से पहले ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि तेज नारेबाजी और हुटिंग के बीच PM मोदी ने विपक्ष पर आज फिर जोरदार हमला किया। ज्ञात हो कि बुधवार को लोकसभा में उन्होंने विपक्ष को जमकर कोसा था। PM मोदी ने आज अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैंने किसी अखबार में पढ़ा था 600 सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू के नाम पर है। किसी कार्यक्रम में अगर पड़ोसी नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, खून गर्म हो जाता है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से क्यों डरता है, क्या शर्मिंदगी है। इतना महान व्यक्तित्व अगर आपको परिवार को मंजूर नहीं तो हमारा हिसाब क्यों मांगते रहते हो। अपने भाषण में आखिर विपक्ष पर तंज कसते हुए PM ने कहा कि देश की जनता की रोजी रोटी के लिए हमने काम किया, 140 करोड़ लोगों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। नारे बोलने के लिए भी लोग बदलने पड़ रहे हैं। मैं घंटे भर से जवाब दे रहा हूँ, रुका नहीं, देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हूँ। इसलिए राजनीतिक खेल खेलने वालों के अंदर हौसला नहीं है, वे बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा वर्ष 2014 से पहले अब उनकी सरकार थी, अब एलोकेशन 20 से 25 हजार करोड़ रुपए के आसपास थी। पाकिस्तान के थाने में शख्स को जिंदा जलाया। नई दिल्ली पाकिस्तान में शनिवार को मॉब लिंचिंग की एक और घटना सामने आई है। यहाँ इशनिंदा के आरोप में भीड़ के एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। ये घटना पाकिस्तान के ननकाना साहिब की है, जहाँ पुलिस थाने पर लोगों ने हमला किया और इशनिंदा के आरोप में व्यक्ति की हत्या कर दी। ननकाना साहिब के DSP HSHO को इस घटना के बाद निलंबित कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग के ये जघन्य घटना उस मामले के महीनों बाद आई है, जब भीड़ के सियालकोट में इशनिंदा के आरोप में एक श्रीलंकाई मैनेजर को प्रताड़ित किया था और जला दिया था। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ननकाना साहिब
में सैकड़ों लोगों ने शनिवार एक पुलिस थाने पर धावा बोल दिया था। भीड़ ने पुलिस हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को पहले खूब पीटा और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों को नारे लगाते हुए और एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में घूमते हुए दिखाया गया है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि जब गुस्साई भीड़ इलाके में पहुंची तो वह व्यक्ति पुलिस हिरासत में था। पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस हत्या को रोकने में विफल रहने पर दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।